हेलो गाइस, वेलकम टू स्टीश ब्लॉग। तो गाइस, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं रेस मोंगस स्पॉट। तो उससे पहले हमें जो मतलब बहुत प्यारा सा व्यू दिखा है, बिल्कुल ही रोड के बगल में है। आप देख सकते हो मेरे पीछे का नज़ारा, बहुत ही सुंदर है। मैंने सोचा पहले यहाँ पे चलते हैं, फिर फोर्ट की ओर चलेंगे। तो उससे पहले कि हम फोर्ट की ओर जाएँ, आपको पहले यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल जो लोकेशन हैं उनको एक बार कैप्चर कर लेते हैं कैमरे में, और फिर चलेंगे फोर्ट की ओर। कुछ अभी कैप्चर करते हैं, बढ़िया बढ़िया जो भी है यहाँ पे व्यूज़, सीनरी, ये सब कुछ अभी एक बार कैप्चर कर लेते हैं, फिर चलेंगे इस मोंगस स्पॉट। नज़ारे मैं आपको दिखा दूँ, मेरे बिल्कुल सामने आप देख रहे हो समुंदर है, बिल्कुल सामने समुंदर है। समुंदर मतलब यहाँ का जो, अभी तो मतलब हम ऊपर गए ही नहीं है, ऊपर जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता था कि आप एक बार नीचे का देख लें, इसके आसपास क्या क्या है। बहुत सारी घूमने की जगह है, ये जो भी है आपका इतना प्यारा सुंदर सा व्यू है, आप देख ही रहे हो, बहुत ही गजब व्यू। तो गाइज आप देख रहे हो कितना प्यारा सुंदर सा व्यू है, बिल्कुल ही बहुत मस्त है। ये देखो पत्थर कितने, बहुत ही गजब है। यहाँ के जो पत्थर हैं ना, इनकी बात ही कुछ और है भाई, बहुत ही मज़ेदार है। बिल्कुल खड़ा हूँ मैं समुंदर के किनारे, और हमारे बिल्कुल सामने है पंजिम, और ये है नज़ारे। तो गाइज इससे पहले कि अभी हम फर्स्ट चलते हैं फोर्ट की ओर, पहले एंट्री लेते हैं, तो चलते हैं फोर्ट की ओर। गाइज मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों को नई से नई वीडियोस और गोवा से रिलेटेड अपडेट्स बताता रहूँगा। तो इसी के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि आप बस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहे सतीश ब्लॉग के साथ, और आपको मिलती रहेगी नई नई वीडियोस, नई नई जानकारी गोवा के रिलेटेड। आज ये फोर्ट के बाहर कुछ शॉप्स है, यहाँ पे आप खा सकते हो, बैठ सकते हो, और ये बैठने के लिए बहुत मस्त जगह है समुंदर के किनारे, बिल्कुल देख सकते हो, बैठ के चिल हो के बिल्कुल खा पी सकते हो। गाइस अभी हम पहले रिसेप्शन की ओर जाते हैं, यहाँ पे टिकट लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली हमने टिकट ले ली है रिस मोंगस फोर्ट की। तो टिकट का प्राइस 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, आप जितने भी लोग रहोगे तो मतलब 50 रुपये पर पर्सन, आप अगर दो लोग हो तो 100 रुपीज़। तो अभी हम टिकट ले लिए, ये हमारी टिकट रहेगी रिस मोंगस फोर्ट की। तो अभी चलते हैं फोर्ट की ओर। तो अभी हम रिस मोंगस फोर्ट की ओर जा रहे हैं। गणेश कैसा लग रहा है तुझे आज? बहुत अच्छा। हाँ अभी तो नज़ारे बाकी है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा चढ़ाई है, आपको एक बार दिखा देते हैं कितनी चढ़ाई है ऊपर को चढ़ाई के लिए। पूरा ऊपर के लिए चढ़ाई है, अभी हमें इसमें चढ़ना है ऊपर को, चढ़ाई को पार करके फिर हमें दिखेंगे नज़ारे। ये चढ़ाई, अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बहुत ख़तरनाक चढ़ाई है, देख रहे हो हमारे पीछे आप। तो फाइनली हम अभी गेट के पास पहुंचने ही वाले हैं, चढ़ाई बहुत ही ख़तरनाक है। तो अभी गेट के बिल्कुल सामने हैं हम, अभी एंट्री लेते हैं गेटों के अंदर। ये गेट रहेगा यहाँ का, ये अंदर का गेट के अंदर आ गए हम, देखते हैं अंदर क्या क्या रहेगा। तो गाइस अभी हमने अपना टिकट चेक करवा दिया। अगर आप गलती से कभी टिकट लेना भूल जाते हैं तो सबसे पहले टिकट ले लें, क्योंकि ऊपर पे चेकिंग भी होती है टिकट की। तो अभी देखते हैं, बहुत प्यारा सुंदर सा व्यू है, सबसे पहले हम चलते हैं इसके अंदर। ये देख रहे हो छत पे पूरा घास घास लगी है, पहले इसके अंदर ही चलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पे मेन, जो है ये फोर्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बना हुआ, आप देख सकते हो ये पूरा स्ट्रक्चर है और इसकी पूरी हिस्ट्री है। ये आप ये सामने देखो, ये फोर्ट कब बना था, ये यहाँ इन वॉलों पे सब कुछ लिखा गया है, और ये जो फोर्ट है अभी रेनोवेट किया गया है, पहले मतलब पूरा खंडर हो गया था। तो यहाँ पे आप देख ही रहा होगा इस मोंगस फोर्ट बिफोर एंड आफ्टर रेनोवेशन, क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था,
तो इसमें ये जगह पे मतलब पूरा नॉलेज है आपको, इस फोर्ट के बारे में सब कुछ बताया गया है। रेनोवेशन से पहले इसका पूरा मतलब खंडर सा हो गया था, और आफ्टर रेनोवेशन इसका जो है 2012 में रेनोवेशन किया गया था, इसको तो फिर से बनाया गया है। तो ये फोर्ट है, बहुत ही प्यारा फोर्ट, और पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये बहुत सेफ भी है। ये बहुत मतलब पुराने समय में जो मुगल शासक थे, सुना है वो यहाँ पे राज करते थे, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर मुगल, तो ये मतलब परंपरा चलती रहती है, तो एक सेफ्टी के लिए बनाया गया था। तो अभी और इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पे विजिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वर्थ है विजिट करना या नहीं। पर अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे और क्या हम आपको दिखा सकते हैं, तो बस बने रहो वीडियो पे। सरप्राइज। तो गाइस ये देख रहे हो हमारे पीछे कितना सुंदर व्यू है, और ये सामने कोको बीच है, जो सामने दिखा है ना बीच कोको, और हमारे बिल्कुल पीछे अभी पंजिम सिटी है। यहाँ का जो व्यू है बहुत ही प्यारा सुंदर सा व्यू है। तो गाइस अभी आपको और बहुत ज़्यादा व्यूज दिखाते हैं, तो चलो कहीं चलते हैं दूसरी लोकेशन पर। तो गाइस अभी भी थोड़ी देर के लिए जेल में बंद हो गया था पुरानी फीलिंग लेने के लिए। जेल के अंदर से भी आप नजारे देख सकते हो, पूरा समुंदर सामने देखो, कितना प्यारा सुंदर दृश्य दिखता है। जो यहाँ पे कैदी रहते हैं उनके भी मजे थे ना, पूरा एंजॉय लेते थे यहाँ। अरे वाह, सुबह उठ के वाह वाह वाह, क्या नजारे है, क्या नजारे। अभी और बहुत कुछ, चलो नेक्स्ट दिखाते हैं। ये देखो गाइस, इस कोई भी कोने पे आप खड़े हो जाओ, आपको बहुत प्यारा सुंदर सा व्यू दिखेगा। ये हमारे पीछे फिर से देखो, अभी यहाँ का तो और खतरनाक नजारा दिख रहा है आपको। देखो पूरा कैसीनो यहाँ से सामने दिख रही है, हमारे सामने बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम कैसीनो को बगल में है, ये सामने कैसीनोज है। तो अभी चलते हैं, अभी कुछ और दिखाते हैं आपको। तोपे भी पड़ी है यहाँ पे, अभी तोपे दिखाते हैं यहाँ की पुरानी संस्कृति को दिखाते हैं आपको, जो पहले होता था। अभी हम चलते हैं ऊपर की ओर, और ये इसका तो अलग ही फील है गाइस। यहाँ पे चलते हो ना तो आप ऐसा लगता है अरे कहाँ आगे हो, मतलब नेक्स्ट लेवल लोकेशन है ये। लोकेशन देखे, चलो ये लोकेशन देख के तो मज़ा आता है, मुझे ऐसा चलना पड़ेगा लगता है आपके लिए। और हम दूसरी लोकेशन के लिए जा रहे हैं, तो फॉलो मी गाइस। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं तोपों के पास। ये पुरानी तोपे हैं, दिख रही है आपको, ये तोपे हैं, ये सब तोपे ही है, मतलब इतनी भारी है, इनको हिलाना भी बहुत मुश्किल है गाइस। 1 2 3 4 तोपे, ये तो लगता ख़राब हो गई है, तो ये वो नीचे गिर गई है, तो इसके नीचे का जो इस तरह का था ना टूट गया है वो। और ये सब देखो, ये सब क्या बनाया है, लगता है इसके अंदर देख के देखना पड़ेगा। ऐसा लगता था अगर कहीं ज़्यादा फायरिंग होगी ना तो यहाँ पे लोग छुपते होंगे इस तरह से। हाँ ये सेफ जगह, इसलिए लगता है इसको बनाया गया था सेफ्टी के पर्पज़ से। अभी और कुछ है, चलो आगे देखते हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है ये वीडियो में। तो गाइस आप एक और चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे आप कहीं भी खड़े हो जाओ उसके व्यूज़, ये देखो मेरे पीछे का व्यू, ऐसा लगता है कि मतलब इसको कुदरत ने अपने हाथों से बनाया इस जगह को, देख रहे हो आप। छतों पे घास उगी है और कितना प्यारा सुंदर सी लग रही है ये घास, देखो मज़ा ही आ रहा है देख के, मतलब बहुत ही गजब है ये जगह, मतलब बहुत ही प्यारी सुंदर सी है। लगता है मुझे यहाँ पे एक रील्स बनानी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो गाइज प्लीज़ फॉलो कर दें, satishnegi.satish कर इंस्टाग्राम मेरी आईडी रहेगी, वहाँ पे भी आपको इसके रिलेटेड बहुत सारी मैं रील्स डालता हूँ, जहाँ पे जाता हूँ शूटिंग से पहले तो रील डालता हूँ, जिससे आपको पता चले कि अगला ब्लॉग क्या हो रहा है, कौन सा आ रहा है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो गाइज और एक प्यारी ब्यूटीफुल लोकेशन, मतलब इस फोर्ट पे इतनी सारी सुंदर जगहें हैं, मतलब मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊं आपको मतलब व्यू ही दिखेगा। अभी देखो और एक व्यू दिखाता हूं, बहुत प्यारा सुंदर सा व्यू है, जो कि इतना गजब व्यू है ना गाइस, मतलब आपका मतलब बोलते हैं ना दिन बन जाएगा उस व्यू से, वो भी आपको दिखाती है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गया, और बैठने का मेन जो रीज़न था इसका व्यू, पूरी हवा ठंडी समुद्र की जो पूरी हवाएँ यहीं पर आ रही है, मतलब
पूरा चिल लग रहा है, एसी का फील दे रहा है पूरा। और मैं आपको एक बार थोड़ा नज़ारा भी दिखाई दे रहा हूँ आपको, मैं यहाँ से प्यारा सुंदर नज़ारा एक बार मेरे पीछे देखो आप, इतना सुंदर ब्यूटीफुल दिखेगा, बहुत ही गजब बोलते हैं ना गाइस। यहाँ पे आप एक बार बैठ गए तो मज़ा ही आ गया। अभी थोड़ा चल के भी दिखा देता हूँ कि आपके दिमाग में ओह माय गॉड जी लगते हैं, मुझे हवा मुझे धक्का दे रही है, पीछे को चले जा पीछे को चले जा, इतना मस्त व्यू क्या बताऊँ आपको, मतलब दूर दूर तक जहाँ तक नजरें जा रही है ऐसा लग रहा है कि बहुत मज़ा आ रहा है, फुल एंजॉय चल रहा है। ये मतलब बेस्ट फोर्ट है गोवा का गाइस, यहाँ पे आप मस्ट विजिट करें, इतना प्यारा सुंदर सा है रियली। यहाँ पे आने का आपको मतलब पूरा दिन बन जाएगा अगर आप यहाँ पे आते हो तो, प्यारी लोकेशन बैठने के लिए है, चिलिंग पॉइंट है, सब कुछ है यहाँ पे गाइस, फुल एंजॉय कर सकते हो आप जैसे मैं कर रहा हूँ, फुल एंजॉय आप भी कर सकते हो। अभी थोड़ा आपको नीचे ले चलते हैं, बहुत पुरानी स्टूडियो में देख रहे हो, बहुत पुरानी, मेरे पीछे पीछे आओ आप लोग। आराम से आओ आराम से, बहुत डेंजर है ये जगह, मुझे तो डर ही लग रहा है मेरे को भी। तो देखते हैं नीचे क्या है यहाँ, ये इसको दरवाजे को खोल देते हैं एक बार, देखते हैं इस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है, कौन सा राज छुपा है आज हम उसको भी देख खंगालते हैं उसको। ये तो बंद है गाइस, सॉरी बंद है, अभी दूसरा दरवाजा देखना पड़ेगा, चलो कहीं तो कुछ होगा, कहीं तो कुछ होगा हमें जा सकेंगे। कोई है क्या? ये हम इसी गुफा में आ गए हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, चलो पुराना सामान रखा है, हमने सोचा था कुछ हमें मिलेगा इंटरेस्टिंग, कुछ भी नहीं मिला, ये सब जेब के दरवाजे लगते हैं, इसके अंदर कैदी बंद है इसलिए इनको बंद कर रखा है पूरा, सब डोर बंद है गाइस, अगर वो खुल जाता तो मैं आपको अंदर का भी दिखा देता नज़ारा, अंदर तो कुछ नहीं है। तो चलो ये तो गाइस अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गया कमरे में, ऊपर फैन चल रहा है, मैं नीचे जमीन पे बैठ गया। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ जिसका जो मेन रीज़न है, तो गाइस ये फोर्ट बहुत ही प्यारा सुंदर सा फोर्ट है, बहुत ही पूरा एंजॉय किया मैंने, बहुत 2 घंटे पूरा घूमूँ फोर्ट पे, हर जगह मतलब एकदम अलग से फीलिंग आती है यहाँ पे आके ना, मतलब वाइब्स यहाँ की कुछ और ही है, मतलब जो व्यूज़ है वो और बहुत सुंदर प्यारा सा, बहुत मज़ा आता है यहाँ, मतलब आप अगर यहाँ पे आते हो तो आपका जो मतलब टाइम प्लस कुछ भी हो, आपका जो भी आप यहाँ पे आने के लिए मतलब कुछ भी, जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ आके आपका टाइम खराब हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, पूरा पैसा वसूल होगा उसका, तो बेस्ट जगह है यहाँ पे आओ आप, मस्ट विजिट करो इसको, मस्ट ऐसे कि विजिट करो, बहुत ही प्यारी सुंदर सी लोकेशन है यहाँ पे। तो बस मोंगोस बहुत प्यारा सुंदर सपोर्ट है, आप आओ इन्जॉय करो गाइस, और भी बहुत कुछ है दिखाने जो आपको उसके बाद दिखाया जाएगा। अभी चलते हैं फोर्ट से बाहर, थोड़ा बाहर देखते हैं कुछ और नए नज़ारे, नए दूर को दिखाएंगे आपको। फोर्ट का तो पूरा मज़ा ले लिया गाइस, अभी हम फोर्ट से जा रहे हैं बाहर और बाहर के कुछ नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ पे हमने बहुत अच्छा समय बिताया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें यहाँ पे आके, फुल मस्ती की हम लोगों ने, मतलब बहुत अच्छी जगह है, बेस्ट प्लेस टू विजिट। तो गाइस यहाँ पे आप लोग आओ और फोर्ट के मज़े लो, और अभी हम यहाँ से निकलते हैं बाहर, तो चलते हैं सिक्योरिटी और फिर आपको थोड़ा सा बाहर के कुछ नज़ारे हम दिखाएंगे, बाहर कुछ है देखने लायक, हमें एक दो जगह दिखी है, वहाँ एक बार चलते हैं देखते हैं क्या है वहाँ पे। तो
हेलो गाइस, तो फाइनली टाइम हो गया है इस मंगस फोर्ट को गुड बाय बोलने का, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 5 बजे के आसपास और 5:30 बजे पूरा फोर्ट क्लोज हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से बाहर और एक नई लोकेशन पे, हमने एक दो लोकेशन देखी है, अभी वहाँ पे चलेंगे। तो फोर्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो गाइस बने रहो वीडियो के साथ। और फिर ये वीडियो को करेंगे क्लोज। हम बिल्कुल आ गए हैं चर्च के पास, बहुत प्यारी, हमारे पीछे आप देख रहे हो चर्च है, ये बिल्कुल ही अपना जो फोर्ट है उसकी बिल्कुल बगल पे, ये इस मंगस फोर्ट के बिल्कुल बगल और सबसे पहले ये चर्च ही आती है। तो हमने सोचा चर्च को आपको पहले बाद में दिखाएंगे, पहले हम फोर्ट दिखा देते। तो चलो चर्च को थोड़ा एक्सप्लोर करते ऊपर जाके। तो गणेश कैसा लगा तुझे आज, मज़ा आया कि नहीं? बहुत अच्छा। तो अभी हम चर्च के बाहर ही बैठे हैं, चर्च क्लोज थी तो इसलिए हमने सोचा चलो थोड़ा बैठ जाते, रिलैक्स करते। बहुत हम चले भी एक्टिव से ना, 2 घंटे से चले, थक गया, बहुत ज़्यादा थक गए। तो इसके लिए हमने सोचा चलो थोड़ा बैठ जाते एक बार, रिलैक्स करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि हमने बहुत गर्मी है, गर्मी तो है गोवा में, अभी गर्मी भी चालू हो गई बहुत ज़्यादा। तो और तुझे कैसा लगा, क्या फील आ रही है कि मज़ा बहुत मज़ा आना चाहिए, इस जगह में नहीं आना चाहिए, इस जगह में बिल्कुल भी आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए भाई, बिल्कुल जगह है। आप लोग अगर नहीं आओगे ना यहाँ पे इस मोंगस स्पॉट में तो आप मिस कर जाओगे बहुत सारी चीज़ें। यहाँ का व्यू, यहाँ का वेदर, यहाँ का लोकेशन सब डिफरेंट है, वाइब्स पूरा डिफरेंट है। तो यहाँ पे आओ और इंजॉय करो। तो और ये ब्लॉग को हम यहीं पे ही क्लोज करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग इतना ज़्यादा थके हैं कि और कहीं और ना जा सकते, लेकिन देखते हैं अगर कुछ और मिलता है हमें आसपास तो हम वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये ब्लॉग यहीं पे ही ख़त्म। तो गाइस बने रहो चैनल के साथ, चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। चलो बाय।